हमीरपुर जिला में सरकारी सीमेंट की चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते दिन देर शाम को हमीरपुर में सरकारी सीमेंट चोरी का नया मामला सामने आया है। ताजा मामले में हमीरपुर जिला के नगहरड़ा कवाड़ गांव से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विपिन कुमार के घर से सरकारी सीमेंट की अवैध 50 बोरियां बरामद की हैं। विपिन कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह सरकारी सीमेंट बोरियां वन विभाग के स्टोर से लाया है। यह बोरियां वहां पर तैनात फॉरेस्ट गार्ड चमेल सिंह ने 300 रुपए के हिसाब से उन्हें बेची हैं, जिनका उन्होंने मौके पर फॉरेस्ट गार्ड को 15,000 रुपए नकद कैश दिया है। वहीं कल्पवाल निवासी विपिन कुमार की माने तो उन्होंने बताया कि सरकारी सीमेंट वह वन विभाग गुम्बलू के फॉरेस्ट गार्ड से 300 रुपए के हिसाब से खरीद कर लाए हैं, जिनका उन्होंने 15,000 रुपए नकद कैश का भुगतान किया है। सरकारी सीमेंट का उपयोग निजी घर निर्माण के लिए किया जाना था। बुंगलू जो है वन विभाग का स्टोर जो है का किसने दिया वहाँ से आपको? वहाँ पे गार्ड ने। क्या बोल रहा सुनने? कितने रुपए की बोरी ले आए आप? 300 रुपए। 300 रुपए की दी सुनने। पेमेंट आपने उसको कैश कर दिया वहीं? वहीं सीमेंट के ट्रैक्टर चालक ने बताया कि उन्होंने यह सीमेंट बुंगलू वन विभाग के स्टोर से लाए हैं, जिसे वहां पर तैनात फॉरेस्ट गार्ड ने दिया है। सीमेंट बुंगलू से। किसने भेजा? ये गार्ड। गार्ड का नाम? चमेल सिंह। चमेल सिंह। तो क्या बोला था उन्होंने आपको? उसने बोला इनको जिनको सीमेंट दिया होगा ना उनको बोला भी सीमेंट ले जाओ, हमने तो किराया लिया है सर। अच्छा, कितने बैग लाए आप? 50 बैग। तो क्या सरकारी सीमेंट है ये? सरकारी? देखो जी, हमारे को तो ये मालूम नहीं भाई सरकारी कैसा होता है और प्राइवेट कैसा होता है। क्यों जी? तो आप कहाँ से लाए मतलब ये सीमेंट? हम ले आए बुमड़ू से। बुमड़ू गार्ड खाने से कि कहाँ से? गार्ड खाने। भाई मौके पर पहुंचे हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कवाड़ गांव के विपिन कुमार के घर से सरकारी सीमेंट की 50 बोरियां बरामद की हैं, जो वह बुमलू वन विभाग के स्टोर से खरीद कर लाया है। पुलिस ने सीमेंट को कब्जे में लेकर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मैं हेड कांस्टेबल राजेश कुमार पुलिस सहायता कक्ष बुलोड में आईओ तैनात हूँ। आज गुप्त सूचना के आधार पर नगरडा गाँव में हमें विपिन कुमार सनोप कृष्णचंद के घर पर 50 बोरियां ऐसी सीमेंट की बरामद हुई हैं, जिनके ऊपर ओनली फॉर गवर्नमेंट सेल लिखा हुआ है और ये एक अवैध है। जब पूछताछ करी तो इन्होंने बताया कि ये बोरियां जो हैं इन्होंने ट्रैक्टर में लोड करके बुम्बलू से लाई हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू लाई गई हैं। कोई फॉरेस्ट गार्ड है वहाँ पर, उन्होंने इनको दे रखी हैं। इसके बदले में इन्होंने 15,000 रुपये पेमेंट भी करी हुई है। इसमें सर जो भी IPC की सेक्शन है, जो कोड होंगी उसके अकॉर्डिंग इसके इनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी।